ट्रेन परत बंद है भाऊ। लेकिन हुआ क्या? होना क्या यार, रोज का नाटक है ये। अरे कोई गया होगा। अरे यार नहीं, वो ऊपर की वायर टूटी होगी, हड्डी टूट गई यार खड़े रहकर। अरे यार कितना लेट हो रहा है। लेट करने में बहुत पंक्चुअल है ये लोग। अरे वो ट्रेन का हमेशा का लफड़ा है। आज स्ट्राइक है क्या इनका? काय रे भाऊ, काय झाले? ड्रायव्हरला कंटाळा आला असेल गाडी चालवायचा। चुप रे तू, साला फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सब एक है। पैसा देके भी सडना पड़ता है। लोकल बंद म्हणजे सगळं कॅन्सल। ट्रेन को ऑप्शन देतो नाहीये। दादर जाने के लिए 1000 रुपया। टॅक्सी वाला काय चा काय भाडे सांगून राहिलाय? अगर हे बघ फेसबुक वर काय आलंय, प्लॅटफॉर्म पे बड़ी भीड़ हो गया ना यार। से खड़ा हो यार, पता नहीं है क्या हुआ। आम आदमी किसको पड़ी गाड़ी? बंद है यार। रुका रुका रुका, निकल भाई साहब एक मिनट। क्या हुआ भाई साहब, ट्रेन क्यों रोकी? वो सिग्नल, अरे सिग्नल रेड है, वो तो हमें भी दिख रहा है। लेकिन सिग्नल रेड क्यों है? आगे गाड़ी भी तो नहीं है। आओ तुम्ही घ्या हो गाड़ी पुढे, काय नाही होत। अरे घ्या घ्या, आम्ही घेतो ना जबाबदारी। एक मिनट, घ्या काय घ्या, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा अलाउड नहीं है। तो क्या गाड़ी ऐसे ही खड़ी रखेंगे, वो अलाउड है? ऐसा नहीं हो सकता मैडम। अरे ऐसा नहीं हो सकता का क्या मतलब है? अरे तो हम क्या करें? अरे ये क्या बताएगा, हमें रेल रोको करना पड़ेगा। शांत बसतो त्यामुळे फावता यांचं। मॅडम अगदी बरोबर आहे, ऐसे जवाब देने वाला नाही आहे खाली। क्यों लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो हैं? और तुम लोग क्या हुआ कुछ पता नहीं, बस बातों में आ गए। वही तो, यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है कोई पता नहीं रहा है, सिर्फ गाड़ी रोक कर खड़े हैं। अरे गाड़ी रुके सिर्फ 10 मिनट हुए। अरे जान तो लोग क्या प्रॉब्लम हुआ है, बस यूं ही चिल्लाने लगे, जरा दिमाग तो चलाओ। अरे रोज सफर करते हो ना इसी ट्रेन से, कभी एक बार बोला है मोटरमैन को थैंक यू वेरी मच, सफर बहुत अच्छा रहा, वी वर वेरी कम्फर्टेबल, बोला है कभी इनको? क्यों भाई आपको पता है क्या हुआ इधर है? क्यों बेकार में हंगामा कर रहे हो? और तुम, हेलो तुम, तुम्ही से बात कर रहा हूँ। गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, बस मोबाइल से पोस्ट पे पोस्ट डाले जा रहे हो। अरे रेड सिग्नल पर गाड़ी चली तो तुम सबकी जान को खतरा है। अरे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे की, तुमको पता है तुम लोगों को मालूम पड़ने से पहले वो लोग रिपेयर करने के लिए निकले भी होंगे और अब तक काम शुरू भी हो गया होगा। तुम लोगों को पता है लोकल एक दिन में लगातार 21 घंटे चलती है। रेल का ये परिवार कितना बड़ा है इसकी जानकारी है आपको? अजी इतना बड़ा कारोबार जिस सहजता से और अनुशासन के साथ रेलवे संभाल रही है इसकी जरा सी भी जानकारी है आपको? मोटरमन से लेकर गैंगमन तक और सफाई वाले से लेकर अधिकारी तक, रेल का हर कर्मचारी हमेशा चौकन्ना रहता है। क्यों? हमारी यात्रा सुरक्षित हो इसलिए। हम तो एक स्टेशन पर चढ़कर दूसरे स्टेशन पर उतर जाते हैं, लेकिन सेवा निरंतर बनी रहे, ट्रेनें सही और सुरक्षित चलती रहे, इसलिए ये कर्मचारी रात दिन काम करते हैं। आप और मुझ जैसे लाखों लोगों के रोजाना जिंदगी से जुड़े सपने पूरे हो इसलिए ये अनगिनत हाथ पटरी की दिन रात मरम्मत करते हैं। और उसी पटरी पर उतरकर रेल रोकने चले थे तुम? दिवाली हो, ईद हो, नवरात्रि हो या क्रिसमस, तब भी किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का पति, सब अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। क्यों? हम अपने परिवार के साथ अपने अपने त्योहार का आनंद उठा सके इसलिए। और मोटरमैन और गार्ड के ऊपर गुस्सा उतारोगे तुम? अरे उन पर गुस्सा उतारोगे तो जाओगे कैसे? तुम्हारे सुरक्षित सफर की जिम्मेदारी है इन पर। अरे ऐसे सिचुएशन में हमें पेशेंस रखकर रेल प्रशासन की मदद करनी चाहिए, और तुम तो बस यूं ही। अरे जरा रुको, हालात को समझो, समझदारी से काम लो, क्यों अच्छे काम में टांग अड़ाते हो? हाँ। अरे ये रेलवे है ना, इसलिए हमारा जीवन आसानी से चल रहा है। अरे हमारे जीवन के कितने सुनहरे पल इस लोकल से जुड़े हैं, उसमें कई सुख की बातें हैं, भावनाओं से भरी यादें हैं। बचपन में लोकल की इसी खिड़की को नाक लगाकर पीछे दौड़ती दुनिया हमने आंखों में भर भर कर देखी होगी। विंडो सीट के लिए किए झगड़े यहीं कहीं खिड़की के पास अब भी घूम रहे होंगे। त्योहारों के दिन फूलों से सजे डिब्बे की खुशबू अब भी वहां महसूस होगी। इसी डिब्बे में अपनी पहली सांस लेने वाले बच्चे की किलकारी अब भी कहीं कोने में सुनाई देगी। ये रेल सिर्फ सफर का एक जरिया नहीं है,
ये तो हमारा घर है, जिंदगी का एक ऐसा कोना जिसके बगैर हमारा जीवन पूरा हो ही नहीं सकता। हेलो। अरे वो एची पे किसी ने कपड़ा फेंक दिया था, इसलिए शटडाउन करना पड़ा। ओके सर, ओके। कपड़ा निकाल दिया है, अभी रिस्टोर हो जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा। ओह राइट सर, ओके। थैंक यू सर। गाड़ी थोड़े ही समय में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए रवाना होगा। अरे वाह, चलो ट्रेन चालू। किसी ने वायर पे कुछ फेंक दिया था जिससे वो पेंटागन फटक सकता था। ये कभी कभी मोटरमैन लोग भी काम करते हैं ना, बहुत अच्छा काम करते हैं यार। मैं भारतीय रेल हूं, 1853 से चली हूं। मैं ना कभी रुकी हूं ना कभी रुकूंगी। सब्र कर ऐ मेरे यात्री, हर मुश्किल में तेरे साथ है भारतीय रेल का हर एक कर्मचारी। भारतीय रेल ने दिया है वचन सेवाओं के अमरता का, मिलकर करे प्रयास भारतीय रेल की समर्थता का। तू बोल कहां जाना है, मैं ले चलूंगी। तू बोल कब जाना है, मैं तुझे तेरे वक्त पे पहुंचाऊंगी। ये भारतीय रेल ना कभी रुकी है ना ही रुकेगी। ये तो हर भारतीय के दिल की धड़कन है, और धड़कन कभी रुकती नहीं।